गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। एज यू आर इन क्लास सेकेंड, अब आप क्लास सेकेंड में हैं एंड आई एम योर EVS टीचर। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर वन। चैप्टर नेम इज बोन्स एंड मसल्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आवर बॉडी इज मेड ऑफ बोन्स, फ्लैश एंड मसल्स। हमारा जो शरीर है वो बोन्स, हड्डियाँ, फ्लैश और मसल्स से मिलकर बना है। मसल्स मीन्स मांसपेशियाँ। द सॉफ्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर द मसल्स। जो हमारे शरीर का सॉफ्ट पार्ट है उसे मसल्स कहते हैं। द हार्ड पार्ट आर द बोन्स। जो हार्ड पार्ट है, कठोर जो पार्ट है, उसे बोन्स, हड्डियाँ कहा जाता है। द बोन्स एंड मसल्स गिव शेप टू आवर बॉडी। हड्डियाँ और मांसपेशियाँ मिलकर हमारे शरीर को आकार प्रदान करती हैं। द स्केलेटन। द बोन्स इन आवर बॉडी फॉर्म अ फ्रेमवर्क। जो हड्डियाँ होती हैं वो हमारे शरीर में एक फ्रेमवर्क के रूप में होती हैं। दिस फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इज कॉल्ड द स्केलेटन। ये जो फ्रेमवर्क है वो स्केलेटन कहलाता है। इट गिव्स शेप्स एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। विदाउट द स्केलेटन वी वुड नॉट बी एबल टू स्टैंड स्ट्रेट। ये हमारे शरीर को आकार और सपोर्ट प्रदान करता है। बिना स्केलेटन के हम सीधे खड़े भी नहीं हो सकते हैं। नाउ बोन्स मीन्स हड्डियाँ। देर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। बोन्स आर हार्ड एंड स्टिफ। बोन्स कवर्ड विद स्किन। बोन जो बोन्स होती हैं वो हार्ड होती हैं और स्टिफ होती हैं। यह स्किन से कवर्ड होती हैं। द स्केलेटन प्रोटेक्ट्स आवर डेलिकेट ऑर्गेन्स विच आर लोकेटेड इनसाइड आवर बॉडी सच एज लंग्स, ब्रेन्स, लिवर, हार्ट, ETC। जो स्केलेटन होता है वो हमारे शरीर के जो इंटरनल ऑर्गेन्स होते हैं जैसे कि लंग्स, फेफड़े, ब्रेन, मस्तिष्क, लिवर और हार्ट, इसको प्रोटेक्ट करता है। नाउ जॉइंट्स मीन्स जोड़। द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स आर जॉइंट टुगेदर इज कॉल्ड जॉइंट। वह स्थान जहाँ पर दो या दो से अधिक हड्डियाँ जुड़ी होती हैं उसे जॉइंट कहा जाता है। वी कैन बैंड आवर बॉडी अराउंड द जॉइंट्स। आवर एल्बो एंड नी आर जॉइंट्स। हम अपनी बॉडी को बैंड कर सकते हैं मीन्स मोड़ सकते हैं इन जॉइंट्स के थ्रू। एल्बो कोहनी और घुटने के जो जॉइंट्स होते हैं। नाउ मसल्स मीन्स मांसपेशियाँ। मसल्स आर द सॉफ्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। मसल्स हमारे शरीर का सॉफ्ट पार्ट है। देर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में 600 से भी अधिक मांसपेशियाँ होती हैं। बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू मेक अस वॉक, रन, बैंड, ETC। हड्डियाँ और मांसपेशियाँ मिलकर हमें कार्य करने, दौड़ने और बैंड करने मीन्स मोड़ने में वर्क करते हैं ये। नाउ टाइप्स ऑफ मसल्स। मसल्स के प्रकार। आई मसल्स हेल्प अस टू सी इन ऑल साइड। आई मसल्स हमें चारों ओर देखने में हेल्प करते हैं। हार्ट मसल हेल्प टू हार्ट टू बीट। हार्ट मसल्स हेल्प करते हैं हार्ट को बीट करने में मीन्स दिल को चलने में। स्टमक मसल्स हेल्प टू पुश द फूड इन टू स्टमक फॉर डाइजेशन। स्टमक मसल्स जो होते हैं वो फूड को पुश करते हैं स्टमक में फॉर डाइजेशन के लिए। एक्सरसाइज मीन्स व्यायाम। हेल्दी फूड एंड रेगुलर एक्सरसाइज मेक्स आवर मसल्स स्ट्रांग। हेल्दी फूड और जो नियमित एक्सरसाइज है वो हमारी मसल्स को स्ट्रांग बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सच एज मिल्क, एग, स्प्राउट, ETC हेल्प इन बिल्डिंग हेल्दी मसल्स। जैसे कि मिल्क, एग, स्प्राउट, ये हेल्दी फूड्स होते हैं जो हमारी मसल्स को स्ट्रांग बनाते हैं। वी मस्ट ईट हेल्दी फूड एंड एक्सरसाइज एवरी डे टू मेक आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रांग। हमें डेली हेल्दी फूड खाना चाहिए और नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए अपनी बोन्स और मसल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए। पोस्चर मीन्स आसन। द पोजिशन ऑफ आवर बॉडी वैन वी स्टैंड, सिट और वॉक इज कॉल्ड पोस्चर। वह अवस्था जहाँ पर हम अपनी बॉडी को स्टैंड करते हैं, सिट बैठते हैं और वॉक करते हैं उसे पोस्चर कहा जाता है। अ गुड पोस्चर हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। एक जो गुड पोस्चर होता है वो हमें हेल्दी रखता है। नाउ लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जिसे हम देखेंगे। टिक द करेक्ट वन एंड क्रॉस द रॉन्ग पोजिशन। जो करेक्ट पोजिशन है उस पर आपको टिक करना है। यहाँ पर टू गर्ल्स हैं। दिस इज द राइट वे टू वॉक। ये सही तरीका है चलने का, तो यहाँ पर हम टिक राइट का निशान लगाएंगे। टू बॉयज आर सिटिंग। दिस इज द राइट वे टू सिट, सो टिक हियर। एंड दिस इज द राइट वे टू स्टैंड, सो टिक हियर। नाउ इंटरनल ऑर्गेन्स।
देयर आर मैनी पार्ट्स इनसाइड आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर कई पार्ट्स होते हैं. दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गेन्स, इन्हें हम इंटरनल ऑर्गेन्स कहते हैं. ईच ऑफ दीज पार्ट्स हैज़ अ स्पेशल फंक्शन, जो प्रत्येक पार्ट होता है इसका एक स्पेशल फंक्शन होता है, एक कार्य होता है. फर्स्ट, ब्रेन हेल्प अस टू थिंक एंड रिमेंबर. ब्रेन जो मस्तिष्क होता है वो हमें सोचने और याद करने में हेल्प करता है. हार्ट पम्प्स द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो हार्ट दिल होता है वो हमारी बॉडी के होल पार्ट में ब्लड को पहुंचाता है. लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ, लंग्स हमें सांस लेने में हेल्प करते हैं. स्टमक हेल्प अस इन डाइजेशन ऑफ फूड, स्टमक हमें फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है. नाउ आई विल एक्सप्लेन द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. टिक द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट ऑप्शन पर टिक करना है. फर्स्ट, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं. ऑप्शन आर 800, 600 एंड सी 206. द राइट ऑप्शन इज सी 206. सेकेंड, आफ्टर वी स्वेलो आवर फूड इट गोज इन टू आवर, जब हम फूड को स्वेलो निकलते हैं तो वो हमारे बॉडी के किस पार्ट में जाता है. ऑप्शन आर ब्रेन, लंग्स, स्टमक. द राइट ऑप्शन इज सी, स्टमक. थर्ड, विच इज़ नॉट एन इंटरनल ऑर्गेन, इसमें से कौन सा एक इंटरनल ऑर्गेन नहीं है. ए किडनी, बी ब्रेन, सी लिप्स. द राइट ऑप्शन इज सी, लिप्स. फोर्थ, इट वर्क्स कंटिन्यूसली टिल वी आर अलाइव, यह कंटिन्यूसली वर्क करता है जब तक हम जीवित रहते हैं. ऑप्शन आर स्टमक, बी हार्ट एंड सी आई. द राइट ऑप्शन इज बी, हार्ट. फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प अस टू ब्रीथ, इसमें से कौन सा ऑर्गेन जो हमें ब्रीथ करने में हेल्प करता है. ऑप्शन आर लंग्स, स्टमक, ब्रेन. द राइट ऑप्शन इज ए, लंग्स. नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स, द स्केलेटन गिव्स शेप टू आवर बॉडी, देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी. थर्ड, हेल्दी फूड एंड रेगुलर एक्सरसाइज मेक्स मसल्स स्ट्रॉन्ग. फोर्थ, वॉकिंग एंड स्विमिंग आर टू गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. फिफ्थ, हार्ट मसल्स वर्क कंटिन्यूसली. नाउ सी ट्रू ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट, जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे आपको ट्रू लिखना है और जो गलत है उसके आगे आपको फॉल्स लिखना है. फर्स्ट, बोन्स आर हार्ड पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इट इज ट्रू. सेकेंड, स्केलेटन गिव शेप टू आवर बॉडी, ट्रू. थर्ड, देयर आर 500 मसल्स इन आवर बॉडी, इट इज फॉल्स. फिफ्थ, लंग्स, हार्ट, स्टमक आर इंटरनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इट इज ट्रू. एक्सरसाइज एंड हेल्दी फूड डू नॉट मेक आवर मसल स्ट्रॉन्ग, इट इज फॉल्स. ब्रेन कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी, इट इज ट्रू. नाउ मैच द फॉलोइंग्स, स्केलेटन, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, बोन्स, हार्ड एंड स्टिफ मसल्स, सॉफ्ट पार्ट स्टमक, हेल्प इन डाइजेशन लंग्स, हेल्प अस टू ब्रीथ. नाउ राइट द फंक्शन ऑफ, यहाँ पर कुछ इंटरनल ऑर्गेन्स के नेम दिए गए हैं, आपको उसके फंक्शन लिखने हैं. फर्स्ट, ब्रेन थिंक, लंग्स ब्रीथ. थर्ड, हार्ट पम्प्स द ब्लड. एंड फोर्थ, स्टमक डाइजेशन ऑफ फूड. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड कीप प्रैक्टिस एंड डू दिस वर्क on your book. Thank you.